दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमन प्रेस जीके जीएस पर। तो दोस्तों 29 जुलाई को आपका ICAR एसोसिएटेड का एग्जाम था चार शिफ्टों में, जिसका कि दोस्तों थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम था आपका वो खत्म हो गया है। तो जिन लोगों का भी एग्जाम था दोस्तों, आशा करते हैं कि बहुत अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों 29 जुलाई थर्ड शिफ्ट में पूछे गए कुछ प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। हालांकि संख्या कम है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन है आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरह के रियल और ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए किसी भी एग्जाम का, आपका CSL हो, ग्रुप डी हो, RRB NTPC हो या ICAR स्टेटेंट हो या UP लिखवाल हो, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा, 9973741666। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का जो थर्ड शिफ्ट में आए कुछ प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं तथा जो प्रश्न आपको याद होंगे दोस्तों उससे कमेंट सेक्शन में आप बताने का प्रयास कीजिएगा, उसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में ही दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न आपका, पहला प्रश्न तुम नहीं कर सकते लेकिन प्रश्न आया था कि परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सोलर इन सोलर सिस्टम, तो परसेंटेज पूछा था दोस्तों। तो देख लेते हैं इसके फैक्ट्स को, अगर इसमें आंसर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिलेंगे दोस्तों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। तो अब तक पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। इसका व्यास लगभग दोस्तों 1.39 मिलियन किलोमीटर है, डायमीटर सन का। इसके अलावा सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,30,000 गुना है। यह सौरमंडल का कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% है मास ऑफ सन। तो अगर आपका ऑप्शन में 99.86% होगा तो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अगर नहीं होगा तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका ऑप्शन क्या था। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा गया था कि सेंसस 2011 है वो विच नंबर ऑफ सेंसस है। तो 2011 को जो जनगणना हुआ था आपका नंबर पूछा गया था कि कितना नंबर का वो जनगणना था, तो दोस्तों आपको 15वां नंबर का जनगणना था। तो 15 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जनगणना जो कि दोस्तों हर साल 10 साल के आपका नियमित रूप से होता रहा है, लेकिन हालांकि दोस्तों 2021 पार हो गया, 2022 है अभी तक जनगणना नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों कोविड महामारी से पूरा वो दुनिया जूझ रहा था। तो 2021 का जो जनगणना होगा वो दोस्तों आपका 16वां जनगणना होगा, 16 जनगणना। पहला जनगणना की बात करें तो ये दोस्तों 1872 में लॉर्ड रिपन के काल में दोस्तों शुरुआत किया गया था पहला जनगणना का। तो दोस्तों 2011 का जनगणना था, 15वां जनगणना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका 15 सही आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका रोटेशन टाइम ऑफ मरकरी पूछा था, तो रोटेशन टाइम ऑफ मरकरी दोस्तों आपका 58 दिन 15 घंटा 30 मिनट आपका रोटेशन टाइम है मरकरी का। बुध ग्रह जो कि दोस्तों आपका सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है आपका सूर्य ग्रह बुध ग्रह, उसका रोटेशन टाइम आपका 58 दिन 15 घंटा 30 मिनट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि चिन्ना वेम्पति है जो कि दोस्तों विच डांस से रिलेटेड है, तो दोस्तों चिन्ना वेम्पति जो कि दोस्तों आपका कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड है, तो कुचिपुड़ी डांस आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करें वेम्पति चिन्ना सत्यम का, तो ये दोस्तों आपका 15 अक्टूबर 1929 को जन्म हुआ था और 29 जुलाई 2012 मतलब आज के दिन दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये दोस्तों आपका इंडियन डांसर है और गुरु ऑफ द कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। तो कुचिपुड़ी डांस दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड डांस है, आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य आपका कुचिपुड़ी डांस। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था हिंदू परसेंटेज इन इंडिया, हिंदू का प्रतिशत पूछा था आपका भारत में। तो हिंदुज्म की बात करें दोस्तों तो ये सबसे बड़ा आपका रिलीजन है इंडिया में अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। बात करें तो 966.3 मिलियन पीपल आपका हिंदू हैं। इसके बाद बात करें परसेंटेज में तो ये दोस्तों आपका 79.8% आपका हिंदू परसेंटेज है आपका इंडिया में। तो हिंदू जो कि सबसे बड़ा आपका लार्जेस्ट रिलीजन भी है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि विच डांस इज एल्सो कॉल्ड सदीर आत्म, तो सदीर आत्म दोस्तों किस डांस को कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका भरतनाट्यम जो नृत्य है जो कि तमिलनाडु का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, जो कि दोस्तों आपका भारत का भी शास्त्रीय नृत्य में से आता है। भारत की शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 8 शास्त्रीय नृत्य है जिसमें दोस्तों भरतनाट्यम भी आता है। तो दोस्तों सदीर नेम ऑफ सदीर वॉज डन अवे विद 1950 इज ऑफिशियली मेकिंग इट भरतनाट्यम आपका राइट आंसर होगा। भरतनाट्यम का ही पहले का नाम था आपका सदीर आत्म, जो कि दोस्तों 1950 में आपका भरतनाट्यम के तौर पर कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका टेरी बांध किस रिवर पर है, ये आपका प्रश्न आया था। तो टेरी बांध दोस्तों टेरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो कि उत्तराखंड राज्य के टेरी जिले में स्थित है, इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह हिमालय के दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना है जिसमें दोस्तों एक
गंगा नदी की प्रमुख सोगी नदी भागीरथी, दूसरा विलांगना नदी है। तो हालांकि दोस्तों आपका जो भागीरथी नदी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यही आपका ऑप्शन में आया था, जिनके संगम पर दोस्तों इसे बनाया गया है। तो भागीरथी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तिरिमन जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद दोस्तों आपका आया था अवनी लखेरा से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो अवनी लखेरा से संबंधित जो प्रश्न आया था दोस्तों उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका जर्मनी होगा। तो जर्मनी आपका राइट आंसर होगा, अवनी लखेरा से जो प्रश्न आया था आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अवनी लखेरा से संबंधित कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में कपाट आया था। इसके बाद बात करें दोस्तों साउथ इंडियन पर्सनालिटी से एक प्रश्न आया था, हालांकि क्वेश्चन मुझे प्राप्त नहीं है, बच्चों के द्वारा दोस्तों में टॉपिक मिल गए हैं। तो साउथ इंडियन पर्सनालिटी से एक संबंधित प्रश्न आया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर मालूम होगा तो। एक प्रश्न दोस्तों आपका बजट से आया था, इसके बाद दोस्तों हिस्ट्री से आपका प्रश्न आया था, इसके बाद पॉलिटी से दो तीन प्रश्न आपका आए थे, इसके बाद हिस्ट्री से बात करें दोस्तों चार से पाँच प्रश्न आपका इस क्षेत्र में आपका देखे गए हैं। एक तो आपका डैम रिलेटेड था, डैम सो हो गया, तिरिमन जो कि दोस्तों आपका उत्तराखंड में स्थित है, कहाँ तो भागीरथी नदी पर। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में हमें प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जिनका भी एग्जाम था बहुत अच्छा गया हुआ, और इसी तरह से रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन का एनालिसिस पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।